अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, राइट, आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। तो उसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, मैं खुद का भी बताऊँ, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं होती, मतलब हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, कौन से मिस्टेक्स हम यूजुअली करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो अवॉइड करते हैं एनसीईआरटी बुक्स को, वो यूजुअली क्या करते हैं, वो अपने क्लास नोट्स पढ़ते हैं या उनके टीचर ने जो नोट्स लिखवाए होंगे वो पढ़ते हैं और जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स को वो अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर मैं ये बताऊं, एनसीईआरटी जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए भी, आपके जेई के लिए भी। चाहे हम नीट की बात करें, वहां पे भी आपको एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी मिस्टेक नंबर वन जो हम यूजुअली करते हैं। अगर मैं दूसरी मिस्टेक की बात करूं, वो है जस्ट फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट। देखो, हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर हमारा बायो स्ट्रांग है और हमारा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, या हमारा मैथ स्ट्रांग है और केमिस्ट्री स्ट्रांग है, हम फिजिक्स को इग्नोर करते हैं और उन दो पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। या अगर हम ऐसा बताएं, कोई भी सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है उस पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं और जो बाकी है उनको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपका जो रैंक बूस्टर है ना, अगर मैं आपको कश्मीर की ही बात करूं, वहां पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर मैं बताऊं, उनमें बच्चों के अच्छे पॉइंट्स नहीं आते। तो वही अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी जो रैंक है वो ज्यादा बूस्ट हो सकती है। तो अगर हम बात करें, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, हमें तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा, तभी आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो यहां से यहां पहुंच जाएंगे। ओके, अगर मैं मिस्टेक नंबर 3 की बात करूं, वो है स्टडिंग अननेसेसरी स्टफ। देखो, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसी चीजें पढ़ने लगते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो नीट के सिलेबस में भी नहीं होगी, जेई के सिलेबस में भी नहीं होगी, लेकिन हम तब भी उसको प्रेफर करते हैं पढ़ना। और अगर मैं बात करूं, किसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उतना पढ़ना ही नहीं है, आप पहले उतना पढ़ो जो आपको जरूरत है नीट और जेई के लिए। बात करूं मिस्टेक नंबर 4 की, नॉट चूजिंग द राइट स्टडी मटेरियल। देखो, हम क्या करते हैं, अगर किसी को आईसीए वर्मा करनी है, वो नीट के लिए डीसी पांडे भी लाता है, वो नीट के लिए संगेज भी लाता है, वो नीट के लिए हर एक बुक लाता है, लेकिन सॉल्व उसको एक ही करनी पड़ेगी। वो अगर हम बात करें, अगर वो एससी वर्मा सॉल्व करता है तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन। हमें राइट टाइम पे राइट स्टडी मटेरियल को चूज करना चाहिए ताकि हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ओके, अगर मैं मिस्टेक नंबर 5 की बात करूं, वो है नॉट एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे हम बोर्ड की बात करें, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने। इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में या जेई में, और कौन सा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। देखो, नीट जेई में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट कुछ ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन होते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि आपको वेटेज भी पता चले और ये भी पता चले कि किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक पे कम टाइम देना है। ओके, अवॉइडिंग टेस्ट पेपर्स। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ऐसे ही चलो नीट के प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चंस भी बना लेते हैं, लेकिन टेस्ट कोई देते ही नहीं है यार। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट, चाहे जो भी टेस्ट आपके पास हो, उनको चाहे कुछ भी हो, उनको आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी होगी, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन बेटर रहती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगी कि मैं कहां पे अभी स्टैंड कर रहा हूं या कर रही हूं। ओके, नेगेटिव थिंकिंग। देखो, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक दिन ऐसे होते हैं कि यार मुझसे नीट हो जाएगा, फिर दूसरे दिन नीट नहीं होगा मुझसे या जेई नहीं होगा मुझसे। क्यों? नेगेटिव थिंकिंग ने आपका जो दिमाग है वो खा लिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिवली सोचना होगा कि चाहे नीट कितना भी टफ हो या चाहे जेई कितना भी टफ हो, मैंने आज तक जो 12th तक मैंने मेहनत करी है वो मुझे 3 घंटे में ही दिखानी है, राइट। वही 3 घंटे मिलते हैं आपको, जितनी भी आपने मेहनत करी है आज तक, तो वो 3 घंटे मिलते हैं आपको वो दिखाने के लिए। तो वही बस सोचो कि चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो, मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे खुद में, उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन भी आपको वैसे ही चलाएगा, ब्रेन को भी वैसा ही सिग्नल मिलेगा। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो हम स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं ड्यूरिंग अवर नीट जेई प्रिपरेशंस। अगर आप इससे भी फर्दर कोई मिस्टेक करते हैं तो वो जरूर कमेंट्स में बोलें। सो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।